हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि टाटा अल्ट्रोज में जल्द ही टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी आएगा और ये एक्सपेक्टेड है कि इंजन अराउंड 100 पीएस की मैक्सिमम पावर बनाए। पर इस वीडियो में हम सिर्फ अल्ट्रोज की नहीं बल्कि टियागो, टीगोर और नेक्सॉन की भी बात करेंगे। अगर आप एक टाटा कार लेना चाहते हैं और कन्फ्यूज्ड हैं कि अपने बजट के हिसाब से आपको इन चारों कार्स में से कौन सी कार लेनी चाहिए, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। इससे पहले हम इन चारों कार्स का कंपैरिजन स्टार्ट करें, आपको बता देते हैं कि अगर आप इन कार्स की वेरियंट्स एक्सप्लेन्ड वीडियोज देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इन कार्स का कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं इनके प्राइसेस से। टाटा टियागो, टीगोर, अल्ट्रोज और नेक्सॉन में से सबसे छोटी कार टियागो है और जाहिर है कि ये सबसे अफोर्डेबल भी है। जहां टियागो के प्राइसेस ₹4.6 लाख से स्टार्ट होते हैं, वहीं अल्ट्रोज के बेस वेरिएंट का प्राइस है ₹5.29 लाख और टीगोर के बेस वेरिएंट का ₹5.75 लाख। नेक्सॉन इन सब कार्स में से सबसे एक्सपेंसिव है और इसका स्टार्टिंग प्राइस है ₹6.95 लाख। इन कार्स के टॉप वेरियंट्स की बात करें तो टॉप स्पेक टियागो पेट्रोल मैनुअल का प्राइस है ₹5.99 लाख और टीगोर का टॉप पेट्रोल मैनुअल इससे ठीक 1 लाख ज्यादा एक्सपेंसिव है और इसका प्राइस है ₹6.99 लाख। ऑल्दो अल्ट्रोज का बेस वेरिएंट टीगोर के बेस वेरिएंट से अफोर्डेबल है, लेकिन अल्ट्रोज के टॉप वेरिएंट का प्राइस टीगोर के टॉप वेरिएंट से ज्यादा है। अल्ट्रोज एक्सेड अर्बन का प्राइस है ₹7.74 लाख और नेक्सॉन का टॉप वेरियंट ₹10.6 लाख का है। तो टियागो के बेस वेरियंट से नेक्सॉन का टॉप वेरियंट का डिफरेंस ₹6 लाख का है। टेबल में आप इन सभी कार्स के प्राइसेस देख सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन में इन कार के डायमेंशंस, लुक्स और स्पेसिफिकेशंस कंपेयर करते हैं। टाटा टियागो, टीगोर, अल्ट्रोज और नेक्सॉन चारों ही सब 4 मीटर और 5 सीटर कार्स हैं। टियागो और अल्ट्रोज दोनों हैचबैक्स हैं, टीगोर सेडान है और नेक्सॉन SUV। लेंथ, विड्थ और हाइट की बात करें तो नेक्सॉन इनमें से सबसे बड़ी है। इसकी 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस भी बाकी सभी कार्स से ज्यादा है। अगर रोड प्रेजेंस को आप साइज से रिलेट करते हैं तो इन सभी कार्स में से नेक्सॉन आपको ज़्यादा पसंद आएगी। इसे टाटा ने रिसेंटली अपडेट किया है और अब इसका फ्रंट एक्सटीरियर डिज़ाइन हमारी ओपिनियन में पहले से बेटर लगता है। अल्ट्रोज टाटा की लेटेस्ट कार है और ये एक नए प्लेटफॉर्म पर डेवलप्ड है। इसका व्हील बेस टियागो और टीगोर से तो बड़ा है बल्कि नेक्सॉन से भी मार्जिनली लंबा है। ये इंडिकेट करता है कि इसके केबिन में अच्छी लेग स्पेस होगी। विड्थवाइज अल्ट्रोज नेक्सॉन से 56 mm छोटी है, लेकिन टियागो और टीगोर दोनों से ज़्यादा वाइड है। नेक्सॉन की तरह अल्ट्रोज के हायर वेरिएंट्स में आपको 16-inch व्हील्स मिलेंगे। इन सभी कार्स में से अल्ट्रोज की ग्राउंड क्लियरेंस सबसे कम है। टियागो इन सभी कार्स से छोटी है और टीगोर इसका सेडान वर्जन है। इन दोनों कार्स की विड्थ सेम है। वैसे तो टीगोर टियागो का सेडान वर्जन है, लेकिन टाटा ने इसे टियागो से बड़ा व्हील बेस दिया है जिससे इसमें टियागो के कंपैरिजन में ज़्यादा केबिन स्पेस होना चाहिए। इन दोनों कार्स में सेम साइज के टायर्स मिलेंगे और इनकी ग्राउंड क्लियरेंस भी सेम ही है, 170 mm। ये अंडरस्टैंडेबल है कि टीगोर का बूट टियागो से बड़ा है। इनफैक्ट इन सभी कार्स में से सबसे बड़ा बूट टीगोर का ही है। अगर आपके लिए सेपरेट बूट और ज़्यादा स्पेस मैटर करती है तो आपको टीगोर कंसिडर करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको ओकेजनली बड़े बूट की रिक्वायरमेंट होती है तो आप नेक्सॉन के टॉप 2 वेरियंट्स में 60-40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिलेगा। इससे आप इसकी लगेज कैपेसिटी काफ़ी इंक्रीज कर सकते हैं। तो साइज वाइज टियागो इन सब कार्स में से सबसे छोटी है और नेक्सॉन सबसे बड़ी। टाटा ने रिसेंटली टियागो, टीगोर और नेक्सॉन को एक अपडेट दिया है जिसके बाद हमारी ओपिनियन में ये तीनों कार्स ही दिखने में पहले से बेटर हो गई हैं। लेकिन क्योंकि अल्ट्रोज टाटा का लेटेस्ट प्रोडक्ट है तो ये इन सभी कार्स में से हमारी ओपिनियन में सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग है। आपको इन चारों कार्स में से किसका एक्सटीरियर डिज़ाइन बेस्ट लगता है ये आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब नेक्स्ट सेक्शन में इन सभी कार्स के इंजन स्पेसिफिकेशंस चेक करते हैं। टाटा टियागो, टीगोर, अल्ट्रोज और नेक्सॉन सभी में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन ही आता है। ये इंजन तो सेम है, लेकिन नेक्सॉन के केस में ये टर्बोचार्ज्ड है तो इसका पावर आउटपुट ज़्यादा है। टियागो, टीगोर और अल्ट्रोज में जहाँ ये पेट्रोल इंजन 86 पीएस की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है, वहीं नेक्सॉन में आपको 120 पीएस की पावर मिलेगी। पावर के अलावा टॉर्क के केस में भी नेक्सॉन का ही इंजन बेटर है। ना सिर्फ इसकी पीक टॉर्क ज़्यादा है बल्कि ये कम RPM पे भी अचीव होती है, जिसकी वजह से हायर गियर्स में भी लो स्पीड्स पे चलते हुए नेक्सॉन बेटर एक्सेलरेशन दे पाएगी। ये यूं कहें कि इसमें जल्दी जल्दी गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ड्राइवेबिलिटी रिलेटिवली बेटर होगी। नेक्सॉन में पेट्रोल इंजन के साथ जहां आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा,
वहीं टियागो, टिगोर और अल्ट्रोज में टाटा 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देता है। एक्स्ट्रा गियर नेक्सॉन को बेटर हाई स्पीड क्रूजिंग की एबिलिटी दे सकता है, जिसमें बेसिकली आप हाई स्पीड्स पे भी इंजन को रिलेटिवली लो रेव्स पे भी क्रूज कर पाएंगे। क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स के अकॉर्डिंग टियागो, टिगोर और अल्ट्रोज ऑन पार हैं। ऑन पेपर नेक्सॉन इनमें से लीस्ट फ्यूल एफिशिएंट है विद अ क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी फिगर ऑफ 17.2 kmpl। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम फाइनली ये देखेंगे कि आपको इन कार्स में से कौन सी कार लेनी चाहिए। इस वीडियो के एंड में हम आपको क्लियरली बताएंगे कि आपको बिलो 5 लाख, 5 to 6 लाख, 6 to 7 लाख, 7 to 8 लाख और 8 लाख के ऊपर कौन सी कार लेनी चाहिए। हम ये कंपैरिजन मोस्ट अफोर्डेबल सेट ऑफ कार से स्टार्ट करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं, विद इन रुपीज 5 लाख एक शोरूम सिर्फ टाटा टियागो XE ही आती है। इसका प्राइस है 4.6 लाख रुपीज और इसके ऊपर टियागो XT है जिसका प्राइस है 5.2 लाख रुपीज। टियागो का बेस वेरिएंट अग्रेसिवली प्राइस्ड है और इसे हम इसकी इंडिपेंडेंट वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड वीडियो में भी उन बायर्स के लिए रेकमेंड किया है जो स्ट्रिक्ट बजट में है। इसका रीजन है टियागो XT का टियागो XE के ऊपर वैल्यू फॉर मनी अपग्रेड ना होना। तो अगर आप सबसे अफोर्डेबल टाटा कार ही लेना चाहते हैं तो आप टियागो XE ले सकते हैं। अगर आप 5 लाख से थोड़ा ऊपर जाना चाहते हैं तो आपके लिए टियागो XT और अल्ट्रोज XE के ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। टियागो XT 5.2 लाख की है, यानी टियागो XE से 60,000 रुपीज महंगी। अब स्क्रीन पे आप टियागो XT में जो फीचर्स टियागो XE के ऊपर आते हैं वो देख रहे हैं। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग इन फीचर्स के लिए 60,000 रुपीज एक्स्ट्रा स्पेंड करना वर्थ नहीं है और इससे बेटर है टियागो XE लेके उसे अपने अकॉर्डिंग पर्सनलाइज करवाना, क्योंकि टियागो XT के मैक्सिमम फीचर्स आप XE में रेट्रोफिट करवा पाएंगे, वो भी कम प्राइस पे। अगर आप टियागो के वेरिएंट्स और फीचर्स के बारे में और डिटेल्स देखना चाहते हैं तो इसकी वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो में देख सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अल्ट्रोज के बेस XE वेरिएंट टियागो के XT वेरिएंट से 9,000 रुपीज एक्सपेंसिव और टियागो XE से 69,000 रुपीज ज़्यादा है। अल्ट्रोज के बेस वेरिएंट में टियागो XE के कंपैरिजन में जो की एडिशनल फीचर्स हैं वो हैं इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, सेंट्रल लॉकिंग, बॉडी कलर्ड आउटसाइड डोर हैंडल्स और फ्रंट पावर विंडोज। एक सेगमेंट ऊपर होने की वजह से अल्ट्रोज टियागो से बड़ी है। अल्ट्रोज XE के एडिशनल फीचर्स और बड़ा साइज कंसिडर करें तो भी हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग टियागो XE से अल्ट्रोज XE पे अपग्रेड करना एक्सपेंसिव होगा। इससे तो बेटर होगा कि आप टियागो लें और उसमें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कुछ फीचर्स जैसे पावर विंडोज, म्यूजिक सिस्टम और सेंट्रल लॉकिंग लगवा लें। ऐसा करने से आप कम बजट में बेटर कार ले पाएंगे। अब ये फाइंड आउट करते हैं कि 5 लाख टू 6 लाख के बजट में कौन सी कार लेनी चाहिए। अगर आप एक बेसिक टाटा कार नहीं लेना चाहते और अपना बजट 6 लाख तक एक्सटेंड कर रहे हैं तो अल्ट्रोज XE रिदम का ऑप्शन ओपन हो जाता है। ये अल्ट्रोज XE से बेटर पैकेज है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड बेसिक फीचर्स। अल्ट्रोज XE रिदम अल्ट्रोज XE से बेटर क्यों है, इसका आंसर आपको अल्ट्रोज की वेरियंट एक्सप्लेन वीडियो में मिलेगा जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अल्ट्रोज XE रिदम का प्राइस है 5.54 लाख रुपीज और ये टियागो XE से 94,000 रुपीज ज्यादा एक्सपेंसिव है। अल्ट्रोज XE रिदम में टियागो XE के कंपैरिजन में कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर्स मिलेंगे जैसे सेंट्रल लॉकिंग, फ्रंट पावर विंडोज, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स, म्यूजिक सिस्टम और रिमोट की। टियागो XE में फ्रंट पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट प्रोटेंशनर्स आते हैं जो अल्ट्रोज XE रिदम में नहीं आते। इन फीचर्स के लिए और टियागो से सेगमेंट अपग्रेड करने के लिए हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग अल्ट्रोज XE रिदम पे 94,000 रुपीज एक्स्ट्रा लगाना वर्थ नहीं है। तो अगर आप एक बेसिक कार ना लेके उसमें थोड़े मॉडर्न फीचर्स देख रहे हैं तो आपका अपना बजट अल्ट्रोज XE रिदम के ऊपर स्ट्रेच करना होगा। टियागो XZ टियागो XE से 1.10 लाख रुपीज महंगी है और इसका प्राइस 5.7 लाख रुपीज है। अभी आप स्क्रीन पे टियागो XE के ऊपर टियागो XT के फीचर्स देख रहे हैं और अब टियागो XT के ऊपर टियागो XZ के फीचर्स देख रहे हैं। इन फीचर्स को ध्यान से देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या बाद में टाइमलाइन यूज करके इस सेक्शन पे वापस आके देख सकते हैं। टियागो XZ में टियागो XE और XT के ऊपर ऐड हुए सारे फीचर्स को कंसिडर करें और इसके टियागो XE के ऊपर 1.10 लाख के प्राइस डिफरेंस को देखें तो ये वेरिएंट थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे लगेगा और उन बायर्स के लिए जो 6 लाख एक शोरूम तक की कार लेने की सोच रहे हैं उनके लिए एक्सपेंसिव साइड पे होगा और उन्हें स्किप कर देना चाहिए। टियागो का XZ प्लस वेरिएंट XZ वेरिएंट से करीब 30,000 रुपीज ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये प्राइस स्पेंड करके आपको जो फीचर्स टियागो XZ के ऊपर एक्स्ट्रा मिलेंगे उन्हें आप अभी टेबल में देख सकते हैं। इस वेरिएंट में टियागो अंदर और बाहर दोनों से अपमार्केट दिखेगी।
टियागो एक्सेट प्लस इस कार का बेस्ट मॉडर्न डे फीचर्स वाला वेरिएंट है और इस प्राइस में कोई और टाटा कार आपको इस वेरिएंट जितनी वैल्यू डिलीवर नहीं कर सकती। टियागो की हमारी वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो में भी एक्सेट प्लस वेरिएंट ही टॉप रिकमेंडेड वेरिएंट था। टियागो एक्सेट प्लस वेरिएंट में ऐड हुए सभी फीचर्स की एडिशनल कॉस्ट टियागो एक्स ई के ऊपर भी जस्टिफाइड है। सो अगर आपका बजट विद इन ₹6 लाख एक शोरूम का है तो आपके लिए टियागो का टॉप एक्सेट प्लस वेरिएंट बेस्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं कि 6 to 7 लाख रुपीज के बजट में कौन सी कार लेना सबसे ज्यादा सेंसिबल है। टिगोर एक्सएम और अल्ट्रोज एक्सएम, जिनका प्राइस 6.10 लाख और 6.15 लाख है, इन दोनों कार से बेटर होगा टियागो एक्सेट प्लस लेना। टिगोर एक्सएम और अल्ट्रोज एक्सएम दोनों टियागो एक्सेट प्लस के आगे बेसिक कार्स हैं और सिर्फ 10 to 15,000 रुपीज के लिए सेगमेंट अपग्रेड करना और फीचर्स पे मेजर कॉम्प्रोमाइज करना विल नॉट बी सेंसिबल। इनके ऊपर इस प्राइस ब्रैकेट में आपको कौन सी कार्स का ऑप्शन मिलता है, आइए इनकी डिटेल्स देखते हैं। अगर हम 6 लाख रुपीज से या यूं कहें कि 6.5 लाख से 7 लाख एक शोरूम तक की कार्स की बात करें तो इस ब्रैकेट में अल्ट्रोज एक्सएम स्टाइल, टिगोर एक्सजेड और अल्ट्रोज एक्सएम रिदम तीनों अराउंड 6.5 लाख की हैं। इनके ऊपर अराउंड 30,000 रुपीज स्पेंड करके आप अल्ट्रोज एक्सटी का ऑप्शन ले सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम अल्ट्रोज एक्सएम स्टाइल, अल्ट्रोज एक्सएम रिदम और अल्ट्रोज एक्सटी की बात करें तो इन तीनों मॉडल्स में से अल्ट्रोज एक्सटी लेना सेंसिबल है, जैसा आपने हमारे अल्ट्रोज वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड वीडियो में भी देखा होगा। अगर आपने अभी तक अल्ट्रोज वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड वीडियो नहीं देखा तो उसे आप इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं। अल्ट्रोज वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अल्ट्रोज एक्सटी में अल्ट्रोज एक्सएम रिदम और एक्सएम स्टाइल के फीचर्स तो आते ही हैं, लेकिन इनके अलावा फ्रंट फॉग लैंप्स, डे नाइट IRVM, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री विद स्मार्ट की, कूल्ड ग्लव बॉक्स और आइडल स्टार्ट स्टॉप जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। सो अगर आप 6 लाख रुपीज से बजट स्ट्रेच करते हैं तो आपके लिए बेटर होगा कि अल्ट्रोज एक्सटी लें। अल्ट्रोज के वेरिएंट्स एक्सप्लेन करते हुए भी हमने यही पाया था कि अल्ट्रोज एक्सटी मॉडर्न फैसिलिटीज और बेसिक फीचर्स का अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये अल्ट्रोज एक्सई रिदम के ऊपर वैल्यू फॉर मनी तो नहीं है, लेकिन अगर बजट कंस्ट्रेंट है तो वैल्यू पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके वेरिएंट लेना ठीक होगा। अब देखते हैं कि अल्ट्रोज एक्सटी और टिगोर एक्सजेड में से कौन सी कार बेटर है। अल्ट्रोज एक्सटी और टिगोर एक्सजेड में 34,000 रुपीज का डिफरेंस है और अल्ट्रोज एक्सपेंसिव है। इन दोनों कार्स में एक दूसरे के ऊपर कई यूनिक फीचर्स भी आते हैं जिन्हें आप अभी टेबल में देख सकते हैं। इनमें से टिगोर एक्सजेड के की फीचर्स हैं ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट बेल्ट प्रिटेंशनर्स एंड रियर आर्मरेस्ट। ऑन द अदर हैंड अल्ट्रोज एक्सटी के की फीचर्स हैं आइसोफिक्स, 7-inch टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम विद रियर पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs, क्रूज कंट्रोल, मल्टी ड्राइव मोड्स और कीलेस एंट्री विद स्मार्ट की। इसके अलावा जो भी यूनिक फीचर्स इन दोनों कार्स में आते हैं उन्हें आप अभी टेबल में देख सकते हैं। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग इन दोनों कार्स में से अल्ट्रोज एक्सटी बेटर पैकेज है और इस पे 34,000 रुपीज एक्स्ट्रा स्पेंड करना वर्थ होगा। अब इन सम कार्स के अलावा बिलो 7 लाख टू कार्स और आती हैं, नेक्सॉन XE और टिगोर एक्सजेड प्लस। चलिए पहले देखते हैं नेक्सॉन XE बेटर है या अल्ट्रोज XT। अल्ट्रोज XT और नेक्सॉन XE में 11,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस है और नेक्सॉन इनमें से एक्सपेंसिव है। आप अभी स्क्रीन पे अल्ट्रोज XT के नेक्सॉन XE के ऊपर यूनिक फीचर्स देख सकते हैं और अब आप नेक्सॉन XE के वो फीचर्स देख रहे हैं जो अल्ट्रोज XT में नहीं आते। इन फीचर्स और हमारे इंटरनल डेटा के बेस पे हमें इन दोनों कार्स में से मैक्सिमम बायर्स के लिए अल्ट्रोज XT एक बेटर पैकेज लगा और इसकी कंप्लीट वीडियो भी लाइव है जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। अब कंपेयर करेंगे अल्ट्रोज XT और टिगोर एक्सजेड प्लस को, जिसके बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि अंडर 7 लाख रुपीज कौन सी टाटा कार बेस्ट है। अल्ट्रोज XT के ऊपर टिगोर एक्सजेड प्लस के लिए आपको 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा स्पेंड करने होंगे। इन दोनों कार्स में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो दूसरी में नहीं आते। अल्ट्रोज XT और टिगोर एक्सजेड प्लस के यूनिक सेफ्टी और फंक्शनल फीचर्स आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं और अब स्क्रीन पे आप इन दोनों कार्स के यूनिक स्टाइल रिलेटेड फीचर्स देख रहे हैं। हमने एक सेपरेट वीडियो में अल्ट्रोज XT को टिगोर एक्सजेड प्लस से कंपेयर किया था, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग इन दोनों कार्स में से फीचर्स वाइज वैल्यू फॉर मनी के बेसिस पे कोई आउटराइट विनर नहीं है और एज अ पैकेज टिगोर कई बायर्स के लिए बेटर होगी, लेकिन ऑन पर्सनल प्रेफरेंस मैंने इन दोनों में से अल्ट्रोज XT को पिक किया है बिकॉज ये एक न्यू प्रोडक्ट है और इसके लिए टिगोर के कुछ फीचर्स को कॉम्प्रोमाइज करके मुझे सेगमेंट अपग्रेड करना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा।
इन दोनों में से अगर आपको एक कार चूज करनी हो तो आप कौन सी चूज करेंगे, अपना डिसीजन आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे अकॉर्डिंग अंडर 7 लाख रुपीज अगर आपको कोई एक टाटा कार आंख बंद करके लेनी है तो वो होगी अल्ट्रोज एक्स टी। यहां तक रुपीज 7 लाख एक्स शोरूम तक की सारी कार्स कवर हो जाती हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं अंडर 8 लाख रुपीज में कौन सी कार लेनी बेस्ट होगी। अल्ट्रोज एक्स टी के ऊपर 7 लाख रुपीज से 8 लाख रुपीज के बीच में एक नेक्सॉन एक्स एम को छोड़ के बाकी सभी अल्ट्रोज के ही वेरियंट्स हैं, तो सबसे पहले इनसे ही डील करते हैं। अल्ट्रोज एक्स टी और एक्स टी लक्स में 39,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस है और ये एक्स्ट्रा स्पेंड करके आपको जो फीचर्स मिलेंगे वो आप अभी टेबल में देख सकते हैं। इन फीचर्स के लिए अल्ट्रोज एक्स टी लक्स पे अपग्रेड करने से बेटर होगा अल्ट्रोज एक्स जेड लेना, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अल्ट्रोज एक्स टी से एक्स जेड वेरियंट का अपग्रेड 60,000 रुपीज का है। एक्स जेड वेरियंट में जो फीचर्स एक्स टी के ऊपर आते हैं उन्हें आप अभी टेबल में देख सकते हैं। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग इन सभी एडिशनल फीचर्स की वैल्यू 60,000 रुपीज से कहीं ज्यादा है और इन फीचर्स के लिए ऐड होने के बाद अल्ट्रोज एक मॉडर्न डे फीचर रिच कार बन जाती है। अल्ट्रोज की वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो में हमने इसके एक्स जेड वेरिएंट को टॉप रेकमेंड किया था क्योंकि इसमें मॉडर्न डे फीचर्स मिलते हैं और वो भी एक अच्छे प्राइस पे। अब देखते हैं कि क्या अल्ट्रोज एक्स जेड से बेटर होगा अल्ट्रोज एक्स जेड ऑप्शनल लेना या नहीं। अल्ट्रोज एक्स जेड के ऊपर एक्स जेड ऑप्शनल वेरिएंट में आपको सिर्फ ब्लैक रूफ मिलती है और इसके लिए आपको 25,000 रुपीज और स्पेंड करने पड़ेंगे। हमारे अकॉर्डिंग इससे बेटर है एक्स जेड अर्बन वेरिएंट, जिसके लिए आपको 30,000 रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे और ब्लैक रूफ के अलावा 3 फीचर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। 1 बॉडी कलर बेस्ड इंटीरियर थीम, 2 बॉडी कलर्ड ORVM और 3 ब्लैक रूफ। अल्ट्रोज एक्स जेड अर्बन लेना है या नहीं ये आपको खुद डिसाइड करना होगा क्योंकि इसमें सिर्फ कॉस्मेटिक फीचर्स ही आते हैं। तो अल्ट्रोज एक्स टी के ऊपर एक्स जेड लेना एक बेटर डील है, लेकिन क्या अल्ट्रोज एक्स जेड से बेटर होगा नेक्सॉन एक्स एम लेना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अल्ट्रोज एक्स जेड और नेक्सॉन एक्स एम में 26,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस है। नेक्सॉन XM में आपको अल्ट्रोज XZ के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ड्राइवर सीट बेल्ट प्रोटेंशनर और ट्रैक्शन कंट्रोल। इसके कंपैरिजन में अल्ट्रोज में आपको फ्रंट फॉग लैंप्स, रियर डीफॉगर और कॉर्नरिंग लैंप्स मिलते हैं। अल्ट्रोज XZ और नेक्सॉन XM में कुछ इंडिविजुअल कॉस्मेटिक फीचर्स भी आते हैं जिन्हें आप अभी टेबल में देख सकते हैं। इन सब के अलावा अल्ट्रोज XZ में नेक्सॉन XM के ऊपर बहुत सारे एंटरटेनमेंट और फंक्शनल फीचर्स आते हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं 7-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रियर पार्किंग कैमरा, ऑटो हेडलैम्प्स, कीलेस एंट्री विद स्मार्ट की बैंड, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटो AC एंड ऑटो वाइपर्स। अल्ट्रोज XZ के बाकी सभी यूनिक फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। ऑल्दो नेक्सॉन का साइज, इसका ज़्यादा पावरफुल इंजन, एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स और ग्राउंड क्लियरेंस जैसे फैक्टर्स इसके एडवांटेजेस हैं, लेकिन एज अ कंप्लीट पैकेज अल्ट्रोज XZ इससे बेटर कार है। इसलिए हमारे अकॉर्डिंग अगर आप सिर्फ अंडर 8 लाख रुपीज एक्स शोरूम तक की टाटा कार फाइनल करने वाले हैं तो अल्ट्रोज XZ ले लेनी चाहिए। अगर आपका बजट इससे ऊपर स्पेंड करने को अलाउ करता है तो आपके पास नेक्सॉन के बचे वेरियंट्स यानी XZ, XZ प्लस और XZ प्लस ऑप्शनल का ऑप्शन ओपन है। इनके बारे में नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करते हैं। नेक्सॉन के टॉप 3 वेरिएंट्स हैं XZ, XZ प्लस और XZ प्लस ऑप्शन। XZ वेरिएंट का प्राइस है 8.7 लाख रुपीस, XZ प्लस वेरिएंट का प्राइस है 9.5 लाख रुपीस और XZ प्लस ऑप्शन का प्राइस है 10.4 लाख रुपीस। हमने नेक्सॉन के वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो में आपको बताया था कि इनमें से अगर आप नेक्सॉन का वैल्यू फॉर मनी और अप मार्केट वेरिएंट लेना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है XZ प्लस ऑप्शन। अगर आप इतना स्पेंड नहीं करना चाहते तो आप XZ प्लस ले सकते हैं, लेकिन उससे नीचे तो बस XE वेरिएंट ही अच्छी वैल्यू देता है। हमने अल्ट्रोज के XZ और नेक्सॉन के XZ प्लस ऑप्शन वेरिएंट को भी पहले कंपेयर किया है और उसमें भी यही वर्डिक निकला कि अगर एक अपमार्केट टाटा कार लेनी है तो नेक्सॉन XZ प्लस ओ ही सबसे सुपीरियर पैकेज है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप अपना बजट 8 लाख रुपीज एक शोरूम से ऊपर लेके जा रहे हैं तो टाटा के पोर्टफोलियो में आपके लिए या तो नेक्सॉन का 9.5 लाख रुपीज वाला वेरिएंट सबसे सूटेबल रहेगा या 10.4 लाख रुपीज वाला XZ प्लस ऑप्शन। अब एक बार फिर से आपको सभी रिजल्ट्स कंपाइल करके बता देते हैं कि आपको किस बजट में कौन सी टाटा कार लेनी चाहिए। अगर हम इस पूरे वीडियो का आपको शॉर्ट में वर्डिक्ट दें तो वो ये होगा कि अगर आप बजट में हैं और 5 लाख एक्स शोरूम तक की कार फाइनल करना चाहते हैं तो टियागो XE ले। इसके ऊपर
5 लाख रुपीज से 6 लाख रुपीज की रेंज में आपके लिए टियागो एग्जेट प्लस बेस्ट ऑप्शन है। 6 लाख से 7 लाख के बीच में अगर आप स्पेंड कर रहे हैं तो अल्ट्रॉज XT लें और सेगमेंट अपग्रेड करें। 7 लाख से 8 लाख एक शोरूम तक स्पेंड करने वाले बायर्स के लिए अल्ट्रॉज XZ बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप इससे ऊपर बजट स्ट्रेच कर रहे हैं तो नेक्सॉन का XZ प्लस या XZ प्लस ऑप्शनल वेरिएंट लें। और इसी के साथ खत्म होता है ये डिटेल्ड वीडियो। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बजट के हिसाब से बेस्ट टाटा कार सेलेक्ट कर पाएंगे। हमारी वीडियोस को लेकर अगर आपके कोई कंसर्न्स हैं या सजेशंस हैं तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।